कैसे हो? सारे उम्मीद है अच्छे ही होगे। सो गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो देखो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टिकटॉक के उन बिछड़े जलपरा के बारे में जो पापा के परा को भी पीछे छोड़ चुके हैं। तो एयरफोन को अपने कानों में डालो और बच्चे इस वीडियो से दूर रहो क्योंकि इनकी बकचोदी देखकर ना तुम्हारे आंखों में बवासीर होने की पूरी संभावना है। तो कमेंट सेशन में कैप क्यों पहनिए ये चालू बात हो जाना, तो आई बटन पर जाकर क्लिक करो, वीडियो देखो, पता चल जाएगा। और मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस भाई अभी यही रह गया था देखने के लिए। दूसरी तरफ सोफिया अंसारी है जो अंग प्रदर्शन करके फॉलोवर गेन किए जा रही है और यह भी उसी राह पर निकल चुके हैं। हम तुमको बता ही दे रहे हैं जब तक इंस्टाग्राम रील रहेगा ना तब तक लोग अश्लील बनते जाएंगे। भाई साहब अंकल जी अभी यही सोच रहे होंगे यही दिन देखने के लिए उस रात मेहनत की थी, मतलब उस रात की पूरी मेहनत बर्बाद। आए हाय क्या कमर लचका, ये तेरी चिकनी कमर देख के ना मेरा रोम रोम खुश हो गया। भोसड़ी के कम कमर लचकाने तो साले तेरी कमर तेरे शरीर से अलग हो जाएगी। दीदी आपका ये कैटवॉक नहीं, एक मिनट। भाई साहब आपका ये कैटवॉक नहीं, ये भी नहीं, दोनों में से ये एक भी नहीं है साले। जो भी हो पर आपका ये कैटवॉक देखकर ना मुझे आपको अवार्ड देने का मन करता है 100 चुतियों को पीछे छोड़कर नंबर वन बनने के लिए। चाची जान थोड़ा आहिस्ते नहीं तो कमरिया लचक जाएगी, साला इनको किस कैटेगरी में डालो यही सोचकर मेरी नसें फटे जा रही है। तो भाई साहब आप भी सावधान रहे सतर्क रहे, अंकल को कहां पता था कि उनका बेटा ऐसा बनने वाला है। अभी अंकल कुछ देर में ना ठाकुर भानु प्रताप बनेंगे। तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ इसे, निकल जाओ यहाँ से। तुम हमारे खून का सबसे बदनाम खतरा हो। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। भाई साहब मेरे जिंदगी में कुछ है कि नहीं, मतलब मैं इनको हवस का कुल्ला करते हुए ही देखूंगा, फिर यह एक दिन प्रेग्नेंट भी हो जाएंगे। भाई साहब ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपको यह करना पड़ा, मतलब पूरे 9 महीने पूरे हो चुके हैं, बस बच्चे देने की बारी है। एक टाइम पर मुझे ऐसा लगा ना कि ये सच में कोई लड़की है, और सच सच बताओ तुम्हें भी ऐसा लगा ना? अगर तुम्हें भी ऐसा लगा ना तो साले तुम भी मेरी तरह हरामी हो चुके हो। भोसड़ी के ये किस प्रजाति का वस्त्र है, अगर गलती से बाहर चला गया ना तो मैं सच बता रहा हूँ लोग ऊपर से नीचे तक खोल के रख देंगे। मैं अपनी छाती ठोक के कह सकता हूँ ये वही ग्रुप है जो टीम 07 को टक्कर नहीं बल्कि हरा सकता है। साले ये दुनिया रहने लायक नहीं बच्ची, मैं चुल्लू भर पानी में अपनी नाक डुबा के मरने जा रहा हूँ। अगर तुम लोगों का भी मन है ना तो आ जा, उतने मर जेस्ट करके चल बसेंगे। अपनी दीवानी का, अपनी दीवानी का, करते गुनाह।
तेरे बाप ने ये वीडियो देख ली ना तो गाड़ में गोली मारेगा। भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, इनके घर में ना कपड़े छिपा के रखे जाते होंगे ताकि इनको न मिल सके और ये वाली हरकतें न कर सके। ये देखो एक और मुजरा कली जिसको लगता है कि वो रियाज को पीछे छोड़ सकता है। गलत, रियाज नंबर वन था, नंबर वन है और नंबर वन रहेगा। तेरा तो गेम बजाना पड़े। तो अब बस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि इन कच्ची कलियों का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी खिल सकते हैं। तो आई बटन पे क्लिक करके तुम फर्स्ट पार्ट देख सकते हो और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कच्ची कली कैसी लगी। अगर यहाँ तक आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। तब तक के लिए बाय, एंजॉय करो मेरी वीडियो, देखते रहो।